नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइबर डिफेंस एंड हेल्थ। दोस्तों, बहुत दिनों से मेरे पास एक डिमांड आ रही थी कि सर हमें बेली फैट कम करने का वीडियो बना के बताओ। बेली फैट मींस ये तौम जो हमारा पेट निकलता है, लोगों का पेट निकला हुआ है, उस पेट को हम कैसे कम करें, उस बेली फैट को हम कैसे कम करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं रुचि जौहरी के माध्यम से आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अपना बेली फैट कैसे कम कर सकते हैं, अपनी तौल कैसे कम कर सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिनको फॉलो करके आपकी तौल या आपका बेली फैट तुरंत कम हो जाए और आप भी बोले कि वीडियो देखा तो देखा पर ऐसा कभी नहीं देखा। तो स्टार्ट करते हैं रुचि जौहरी के साथ, धन्यवाद। डियर फ्रेंड्स, हम फिर आपके पास आए हैं आज कुछ नई एक्सरसाइज लेके। आपने हमारा पुराना टमी फैट लूज करने का वीडियो जरूर देखा होगा और आप उसको फॉलो भी कर रहे होंगे, मुझे पूरा बिलीव है। तो आज मैं आपको कुछ और नई एक्सरसाइजेस बताऊंगी जिससे आपका टमी फैट कम होगा। हेलो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल सेल्फ डिफेंस एंड हेल्थ के लिए नए हैं और आपने हमारे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल पर, जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आपको बताना कि टमी के लिए हमें क्या एक्सरसाइजेस करनी है। तो हम टोटल 5 एक्सरसाइज करेंगे जिसके हम 20 रिपीटेशंस करेंगे और 3 सेट बनाएंगे। इस एक्सरसाइज में सबसे पहले हम इस पोजीशन में बैठेंगे, उसके बाद इस तरह से हमें लेट जाना है और हमारे पैरों की पोजिशन इस तरह से रहेगी। हमारे दोनों हाथों को हमें सर के नीचे रखना है और अपना जो माथा है वो हमें अपने पैरों के घुटनों से टच करने की कोशिश करनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। मेरी बताई गई जो भी एक्सरसाइजेज हैं उसके हमें 20 रिपीटेशन करने होते हैं और 3 सेट लगाने होते हैं। तो आपको इस एक्सरसाइज के 20 रिपीटेशन करने हैं और 3 सेट लगाने हैं। इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, हम सीधे लेट जाएंगे। मैं आपको बताऊंगी मेरी क्या पोजीशन रहेगी। हम सीधे लेट जाएंगे, उसके बाद हमें अपने लेग्स को, दोनों लेग्स को जोड़कर 30 डिग्री के एंगल पर रखना है और 20 काउंट के लिए होल्ड करना है। उसके बाद हमें अपने दोनों लेग्स को 60 डिग्री पे ले जाना है और 20 काउंट्स के लिए होल्ड करना है, और उसके बाद अपने दोनों लेग्स को 90 डिग्री पे ले जाना है और 20 काउंट के लिए होल्ड करना है। यदि आप स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टमी फैट है आपका, तो आप क्या कर सकते हैं, 20 काउंट के बजाय आप 5 या 10 काउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने काउंट बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हम लोग पहले सीधे लेट जाएंगे और अपने दोनों पैरों को 30 डिग्री के एंगल पर उठाएंगे और 20 काउंट के लिए होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 10 सेकंड का रिलैक्स करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, अपने लेग्स को 60 डिग्री के एंगल पर ले जाएंगे और 20 काउंट के लिए होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. रिलैक्स करेंगे एटलीस्ट 10 काउंट के लिए और उसके बाद अपने लेग्स को 90 डिग्री के एंगल पे ले जाएंगे और 20 काउंट के लिए होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. एक्सरसाइज में हम सीधे लेट जाएंगे और अपने दोनों लेग को लिफ्ट करेंगे और वो जो लेग्स हैं वो हमारे ग्राउंड से टच नहीं होने चाहिए। ये हम 20 टाइम्स करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। फोर्थ एक्सरसाइज में हम अपने दोनों पैरों को इस पोजीशन में लाएंगे, इस तरह से लेट जाएंगे, अपने अपर बॉडी पोर्शन को उठाएंगे, इनहेल करेंगे, पेट अंदर करेंगे और 20 काउंट के लिए होल्ड करेंगे। इस पोजीशन के हमें 3 सेट बनाने हैं। फिफ्थ एक्सरसाइज में हम सीधे लेट जाएंगे और अपने पैरों को साइकिल पोजीशन में चलाएंगे 20 टाइम्स क्लॉकवाइज और 20 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। इसे कैसे करेंगे मैं बताती हूँ। इस तरह से हम लेट गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। उसके बाद 20 एंटी क्लॉकवाइज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो फ्रेंड्स, यदि आप अपना टमी फैट या फिर जिसे निकला हुआ तौंद कहते हैं इसे कम करना चाहते हैं तो मेरी बताई हुई ये 5 एक्सरसाइज फॉलो करिए, इनके 20 रिपीटेशन करिए 3 सेट करिए और आप खुद एक महीने बाद महसूस करने लग जाएंगे कि आपका टमी फैट धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बिकॉज टमी फैट को कम होने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो हमें इसके लिए पेशेंस रखना होगा और लगातार इन एक्सरसाइजेस को करना पड़ेगा जिससे हमारा टमी फैट कम हो जाए। धन्यवाद।